गाड़ी टकराने पर विवाद, चली गोली, एक युवक घायल। कोतवाली सिविल लाइन्स के शाहबाद गेट के बाईपास पर गाड़ी ओवरटेक करने पर दो व्यक्तियों में हुआ विवाद। विवाद इतना बड़ा, एक पक्ष के व्यक्ति ने अपने कई लोगों को बुलाकर की अवैध तमंचे से फायरिंग। इस घटना से आसपास के लोग अपने घरों में दुबक गए, जिसमें दो युवक गोली लगने से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी और सीओ कई थानों की पुलिस लेकर घटनास्थल पहुंचे और जांच की और घायलों को जिला अस्पताल भेजा। रामपुर के कोतवाली सिविल लाइन्स के काशीराम कॉलोनी निवासी अजमत अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे कि अचानक शाहबाद गेट बाईपास हयात हॉस्पिटल के बराबर एक कार वाले ने उन्हें ओवरटेक किया, जिस कारण उनकी आपस में गाड़ियां टकरा गईं। इसी बात को लेकर दोनों व्यक्तियों में विवाद इतना बड़ा कि एक व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों को घटनास्थल में बुला लिया। जैसे ही उसके साथी आए, उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। इस दौरान आसपास के लोग अपने अपने घरों में डर की वजह से दुबक गए। वहां के चश्मदीद लोगों का कहना है कि मेरे पापा बुजुर्ग आदमी है, वहां से अपने घर से दूध लेने के लिए जा रहे थे, क्योंकि गाड़ी से ताबीज फैसल और फैजादा है रामपुर के, उन लोगों ने पापा के पीछे टक्कर मारी। पापा ने उनसे पूछा किस बात को लेकर मारी, फिर आगे से टक्कर मारी, गाड़ी का पापा टूट गया है, पापा के चोट लग गई है। इसके बाद मैं मुरादाबाद से था, मैं आया यहाँ पापा को बचाने के लिए, तो मुझे बहुत मारा, जिसके निशान मेरी कमर पे है, मेरी छाती पे है, बहुत ज्यादा मारा, फायरिंग की है बहुत ज्यादा, यहाँ से हम अपनी जान बचाकर भागे हैं। तो क्या रिपोर्ट वगैरह दर्ज करें? हमारे भाई मोहसिन भाई की गोली लग गई है पैर में, उनकी थाने गए हुए हैं वो लोग, और उनका गए हुए हैं थाने, तो पुलिस आ गई, पुलिस आ गई है जी, पुलिस मौके पर आ गई है, लेकिन थोड़ी देर में आई, लेकिन आ गई जी। क्या घटना हुई आपके साथ, किसने फायर मारा? हमारे छोटे वाले भाई साहब का झगड़ा हो गया था, तो वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पता चला कि फेरी दादा है, उनसे झगड़ा हो गया। जब वहाँ पहुंचे थे इतने में वो लोग फायरिंग करते आ गए, बंदूक लगाए थे, मैं वो वहीं पे खड़ा था, वहाँ पे मेरे भाई की गाड़ी खड़ी थी, तो उन लोगों ने कार को भी तोड़ दिया, और जब फायर कर रहे थे तो मेरी टांग मार के पड़ा, मैं सिर्फ वहाँ पहुंचे था, मेरी बाइक भी वहीं पर खड़ी थी। तो क्यों फायर किया उन्होंने, क्या वजह थी, वो झगड़े का कारण क्या था? इस बारे में मुझे मालूम नहीं, क्या कारण। कितने राउंड फायर किए? लगभग उन्होंने 40 से 45 राउंड फायर किए। अच्छा, आपके अलावा भी कोई घायल हुआ है? नहीं, कोई मेरे ही लगे, क्योंकि मैं वहीं करीब में खड़ा था, मुझे मालूम नहीं था कि लोग फायरिंग करते हुए आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया था। अच्छा, और पुलिस के आने से पहले वो लोग आ गए। ठीक सर, आज जो दो पक्षों में झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई, क्या मामला है? ये सड़क पे ओवरटेक करने के चक्कर में पहले इनका आपस में झगड़ा हुआ है, उस झगड़े के बाद एक पक्ष ने स्थानीय अपने चार लोगों को और बुलाया, उनके आने के बाद विवाद बढ़ गया, और उसमें कुछ फायरिंग की सूचना तत्काल पुलिस मौके पर आई। जो पीड़ित पक्ष है उसके अनुसार उन्होंने कुछ लोगों के नाम उन्हें मालूम भी हैं, थाने गए हैं, एफआईआर लिखाएंगे उन, और पुलिस इसे कर। सर, इसमें घायल कितने लोगों में? घायल एक आदमी को बताया जा रहा है, पैर में चला।